हेलो दोस्तों, मेरा नाम विवेक है और आप देख रहे हो ट्रेडिंग थेरेपी। स्वागत करता हूं फिर से। बहुत ही इम्पॉर्टेंट आज का वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, एक वक्त हुआ करता था जब हम आईटी सेक्टर पर अपना दांव लगाया करते थे, लेकिन बोला जाता है समय के साथ हर चीज़ बदल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज ऐसे ही बदलाव की बात कर रहे हैं। हम बात करने वाले हैं आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अंदर, जिसका शुरुआत 1940 के अंदर किया गया था, जो हमारे आज़ादी से भी पहले का कंपनी है। इसका न्यू के साथ साथ मैं आपको बता दूं, भारत का यह सबसे पुरानी नहीं, वर्ल्ड का सबसे पुरानी ऐसे कंपनी है जो डिफेंस और एरो स्पेस से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है। क्या न्यूज है और क्या न्यूज का एस्पेक्ट है, बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बहुत ही डिटेल में आपको समझाने वाला हूं। और लास्ट में आपको 10 ऐसे स्टॉक्स, डिफेंस स्टॉक बताने वाला हूं, जो आपके पोर्टफोलियो को शोभा ही नहीं बढ़ा सकता, अपना पैसा भी आपको बढ़ा सकता है। आपको एक वीडियो दिखाता हूं जो आपको और ज्यादा मोटिवेट करेगा, आपकी एयर स्पेस का एक पावर दिखाएगा कि किस तरीके से हमारे देश के अंदर एरो स्पेस आपको बहुत ही अग्रणी आने जाने वाली है। और इसके साथ साथ भारत के अंदर मैक्सिमम हमारी जो गवर्नमेंट है, मेक इन इंडिया के तहत ये जितने भी डिफेंस हमारे सेक्टर स्टॉक्स है, उनको बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा न्यूज पर, और न्यूज क्या है और किस तरीके से इसके अंदर किया जा रहा है, और क्या ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हमें बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है, नहीं दे सकता है। सबसे पहला चीज़ हमें समझते हैं कि जो आपका सुखोई है, जिसे हम लोग जानते हैं सुखोई एयरक्राफ्ट, इसका क्या मतलब है मैं आपको बता दूं। सुखोई SU-30 MKI ये नाटो रिपोर्टिंग करता है आपको फ्रेंकल एज के नाम से। यह टू सीटर है, यानी कि इस जो आपका एयरक्राफ्ट है, इसके अंदर दो लोग बैठ सकते हैं आसानी से। ये डेवलप किया गया है रशियन एयरक्राफ्ट के द्वारा सुखोई को, और आज के डेट में इनका लाइसेंस है बनाने का HAL के पास है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इंडियन एयरफोर्स के पास ये सुखोई का जो 30 वर्जन है, सुखोई 30 वर्जन है, जो बोल सकते हैं ऑल वेदर्स, यानी कि बोल सकते हैं ऑल इन वन है, आप कहीं भी आप इसको यूज कर सकते हैं। इसको बनाने का इसको बेड़ा मिला है। इससे क्या होगा कि हमारे जो एयर फोर्स है उसको और ज़्यादा पावर मिलेगी, और भी ज़्यादा वो हर जगह वो अटैक कर सकता है अगर बाई डबे कहीं प्रॉब्लम आती है तो। क्या स्टॉक के अंदर क्या मायने है, क्या हमारा न्यूज है, ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स आपने पढ़े होंगे, समझते हैं इसको। देखिए, लगभग 12 सुखोई एयरक्राफ्ट का ऑर्डर मिला है और 11,000 करोड़ का प्रोजेक्ट आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को मिला है। 9 ऑर्डर ऑलरेडी मिल चुका है ये आपका HAL को, जिसमें लगभग 45,000 करोड़ का इनको ऑर्डर मिल चुका है। इसके अंदर आपको मैक्सिमम जो लाइट आर्मर व्हीकल्स है, जिसमें मल्टीपर्पज व्हील्स लगा हुआ है, इंटीग्रेटेड सर्विलांस एंड टारगेटिंग सिस्टम के तहत आपको बहुत सारा ऑर्डर मिला है। नेक्स्ट जनरेशन सर्विलांस फेसल्स है, जिसके तहत बहुत सारा ऐसे स्टॉक्स है बहुत अच्छा मूव कर सकती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जो बनाने में काम करती है कंपनियाँ, तो इस कारण से आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का। डिफेंस मिनिस्टर और मेक इन इंडिया को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही है। राजनाथ सिंह हमारा जो डिफेंस मिनिस्टर है, सबसे पहला तो हमारे देश के अंदर जो CDS थे आपका बिपिन रावत थे, लेकिन उनके डेथ के बाद इनको अनिल चौहान को बनाया गया, जो बहुत अच्छे से ये सारा चीज़ को डिफेंस को संभाल रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आपको दिखेगा दो इंसान का फोटो पिक्चर, और जिसके अंदर आपका पूरा प्रोफाइल बना हुआ है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी एंड कुछ और भी डिफेंस लोग हैं, डिफेंस रिलेटेड लोग हैं या ऑर्गेनाइजेशन है, जिनके तहत आपको पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। अगर यहाँ पर आप देखोगे एयरफोर्स से रिलेटेड, तो एयरफोर्स में भी बहुत सारे ऐसे न्यूज है, और अपना एक प्रोफाइल बनाई हुई है जिसके अंदर बताया रहा चीफ ऑफ एयर स्टैक्स, एंड जो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर जो चीफ हैं एयरफोर्स के अंदर, इनकी भी डिटेल आपको दिया हुआ है, आप जाकर इसको देख सकते हैं। समझते हैं ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट से पहले फंडामेंटल एस्पेक्ट्स। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक लार्ज कैप कंपनी है, नंबर ऑफ शेयर 13 करोड़ से भी ज़्यादा है, पी रेशियो बहुत सॉलिड है 21 है, पीवी रेशियो भी अच्छी है, फेस वैल्यू यहाँ पर 10 है, डिविडेंड यील्ड भी कुछ दे देती है, लेकिन हाँ डिविडेंड के लिए इस कंपनी में नहीं आ सकते हैं, अगर पैसे आपको बनाना है तो आपको शेयर में भी बहुत अच्छा खासा पैसे बना सकते हैं। कंपनी के पास कैश भी है, डेट ना के बराबर है, 49 करोड़ कुछ नहीं है कंपनी के लिए। प्रमोटर होल्डिंग 71% है, जो बहुत अच्छा माना जा सकता है। अर्निंग पर शेयर 179 बहुत अच्छी है, सेल्स ग्रोथ भी लगभग सही है, प्रॉफिट ग्रोथ भी 15 के आसपास है, मतलब सही है, रिटर्न इन इक्विटी भी 27 है, मतलब अधिकतर टर्म्स में सही है। अगर इसमें आप देखोगे पी चार्ट भी, तो पी चार्ट भी बहुत अच्छा मूव करी है मार्केट ने, 6 महीना से 3 साल तक बहुत ज़्यादा नहीं रही है, अप्रॉक्स हमेशा 21, पहले तो हमारा 10-12 हुआ करता था, लेकिन कुछ हद तक बढ़ी है। देखो कंपनियां का अगर मार्केट में डिमांड बढ़ती है ना, मेक इन इंडिया भारत में जब से आई है,
मेक इन इंडिया, तब से हमारे देश के अंदर इसका डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है, है ना। तो इस कारण से भी आप देख सकते हो मेक इन इंडिया के साथ साथ कि हमारे देश में ऐसे कंपनियां का भी बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ी है, जिसके अंदर हम सारे लोग आज के डेट में डिफेंस से लेकर हर प्रोडक्ट कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है और आने वाला वक्त में इसको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलने वाला है, क्योंकि आज के डेट में इंडिया का जो इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट है कि 60 से लेकर 65% जो प्रोडक्ट है मेक इन इंडिया के तहत बनाया जाए, है ना। तो ये बहुत बड़ी बात होता है यहाँ पर, और इसमें बहुत ज्यादा मोदी जो सरकार आज के डेट में है गवर्नमेंट के अंदर, ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव है ये आप मेक इन इंडिया प्रोडक्ट बनाने के लिए। हिंदुस्तान यूनिलीवर के कुछ और भी हम लोग आपका फंडामेंटल एस्पेक्ट्स की बात हम लोग कर लेते हैं, जिसके अंदर सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ लगभग यहाँ पर राइज में है, बढ़ रही। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं प्रमोटर होल्डिंग एस्पेक्ट्स के बारे में। प्रमोटर होल्डिंग आप देखोगे तो लगभग 71.64% है, पहले यहाँ पर देखोगे 2022 में 75% था, लेकिन अभी 71% है। देखा एक तरीके से देखा जाए तो हमारा जो प्रमोटर होल्डिंग कुछ हद तक घटी है, लेकिन बहुत ज़्यादा अभी भी हमारे पास प्रमोटर होल्डिंग है। तब भी आप देख सकते हो यहाँ पर FII DII कोई बिजनेस समझ में आता है, FII 11% है और DII लगभग 10% आपका इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, मतलब कि बड़े लोग को समझ में आ रहा है, FII को समझ में आ रहा है और साथ में आपका DII को भी ये बिजनेस समझ में आ रहा है, तो आप भी इसके अंदर भरोसा करके चल सकते हैं। उसको चीज और भी मैं पीर कंपैरिजन में आपको बताता हूं, पीर कंपैरिजन में बहुत सारे से कंपनियां हैं जिसका मैं करूंगा। आप यहां पर देख सकते हो कि यहां सबसे पहला चीज भारत डायनेमिक्स, आपका टाटा डाटा पैटर्न हो, अस्टा माइक्रोवेव आपका यहां है कंपनी, पारस डिफेंस है आपका, और कृष्णा डिफेंस एंड AI है, और इन सारे से कंपैरिजन करोगे तो इन सारे में आज के रेट में नंबर वन कंपनी है, यानी कि ये सारे के साथ आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आज के रेट में मोनोपोली कंपनी है, भारत के डिफेंस सेक्टर में एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन आने वाला वक्त में ला सकता है, साथ में आपको पोर्टफोलियो में भी। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग टेक्निकल एस्पेक्ट्स। बोला जाता है कि जब कोई बहुत तेजी से कहीं भागता है, दौड़ता है, तो थोड़ा सा थक जाता है ना, और फिर थोड़ा सा आराम करने के बाद फिर चल पड़ता है। और यह जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स में देख रहा था इसका, तो मेरे को ऐसे ही समझ में आया था, क्योंकि बहुत बार जब मार्केट में बड़ी कंपनियां चलती है तो मार्केट का नियम है कि हमेशा मार्केट मूव ऊपर की तरफ नहीं करती है, या फिर मार्केट नीचे की तरफ सब मूव थोड़ा सा करती है, नहीं तो कंसोलिडेट करती है। मार्केट के अंदर यही आपका चल रहा है, आप यहां पर देख सकते हो 2021 के आसपास मार्केट ने इसी प्राइस पॉइंट पर बहुत दिनों तक कंसोलिडेट किया, और फिर आया 2022 23 फरवरी 2022 के बाद मार्केट के अंदर एक बहुत अच्छा मूवमेंट मार्केट में देखा गया, और फिर जाके एक फिर से प्राइस पॉइंट पर 2022 के लास्ट में इन्होंने टंगना शुरू किया, और यहाँ पर देख सकते हो बहुत दिनों तक चलने के बाद फिर से फरवरी 2023 एक साल के बाद फिर से मार्केट ने मूव करी है, फिर 2023 के बाद फिर से 2-3 महीना तक इसी प्राइस पॉइंट पर मार्केट ने आगे मूव करी, फिर मार्केट ने अभी मूव करी है, और अभी के डेट में देख रहे हो अगस्त सेप्टेम्बर के बाद मार्केट में फिर से एक मूवमेंट आना शुरू हुई है। मतलब ये हुआ कि मार्केट में जब कोई बड़ी कंपनियां जो अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रही है तो लगातार ऊपर नहीं जाती है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन तो मार्केट में आता ही है। हाँ, लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट्स है तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आपको बहुत अच्छा पैसे बना कर दे सकता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो तो आप ध्यान रखना एक बार में सारा पोजिशन नहीं ले लेना, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, क्योंकि यह एक अनप्रेडिक्टेबल बिजनेस है, आप इसके अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टार्टिंग के अंदर ज़्यादा आप नहीं लगाना, आप ट्राई करना कि मेरे को मैक्सिमम से मैक्सिमम 50% ही आपको स्टार्टिंग में लगाना है। फिर क्या करना, जैसे थोड़ा सा मार्केट गिरती है, थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव करती है, तो और सारा पैसे आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हो, जो आपको बहुत हद तक सपोर्ट करने वाला है। अब थोड़ा सा बात करते हैं क्या और भी डिफेंस ऐसे स्टॉक्स है जो हमें पैसे बनाकर दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको 10 ऐसे डिफेंस स्टॉक्स में बताने वाला हूं जो आपको आने वाला वक्त में बहुत अच्छा पैसे बनाकर दे सकता है। उसमें से सबसे नंबर वन पर है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, दूसरे पर है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, थर्ड पर है आपका भारत डायनेमिक्स, और मॉर्गन डॉक शिपयार्ड आपका है कोचिंग शिपयार्ड, और भारत अर्थमूव BEML है आपका, सोलर इंडस्ट्री है आपका, MTR टेक्नोलॉजी है, पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी है, भारत फोर्ज, जो बहुत अच्छा आपको पैसे आपको यहाँ पर बना कर दे सकता है। मीन्स यहाँ कहने का मतलब ये हुआ कि ये सारे जो स्टॉक्स है ये फ्यूचर स्टॉक्स है, बोला जा सकता है कि आज के डेट पे मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया के तहत भारत के अंदर जितने भी स्टॉक्स बन रहे हैं, जितने भी आप प्रोडक्ट बन रहे हैं, हमारे देश का जो मोदी गवर्नमेंट है, अच्छा हो सकता है आने वाला वक्त में जो भी गवर्नमेंट आएगी मेक इन इंडिया को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देने वाली है, क्योंकि हम चाहते हैं सेल्फ डिपेंडेंट बनना, और आपको भी यह सारी स्टॉक सेल्फ डिपेंडेंट बना सकता है स्टॉक मार्केट में छोटा इन्वेस्टमेंट के साथ। हमारे में से वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना,
लाइक जरूर करना दोस्तों, क्योंकि इससे हम सारे लोगों को मोटिवेशन मिलता है। जय हिंद दोस्तों, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में।